हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल सार टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेटीएम पोस्टपेड का जो अभी कुछ मतलब लफड़ा चल रहा है, वो पैसे के लेकर जो है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के। लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो है पेटीएम पोस्टपेड जो उसके लिए एलिजिबल थे, लेकिन अचानक से ये हुआ कि जो एलिजिबिलिटी जो है उसको खत्म कर दिया गया। जो चीज आपको जितने पैसे मिले थे वो चीज आपसे हटा लिया गया, मतलब जीरो जीरो कर दिया गया। स्पेन लिमिट जो होती है वो जीरो कर दिया गया। और ये जो मेरे साथ भी हुआ वो क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा इसका शॉर्ट आउट क्या है, किस तरीके से आप इसे बच सकते हैं और फिर आप अपने पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं। मैं इसमें जो मैं ये करूंगा मैं प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। और ये जो मैं जो भी बताऊंगा मैंने पेटीएम कस्टमर केयर जो है पोस्टपेड का वहां हमने बात की थी, और उनसे जो बात हुई वही मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए फिर क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं लफड़े की बात, जो इसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गए पेटीएम पोस्टपेड के। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आई थिंक लास्ट मंथ में जो है यही प्रॉब्लम आई थी वहां पे, के जो मतलब इसमें कंप्लेन किया गया था जो अपने यूजर को, जो पेटीएम जो है अपने यूजर को कुछ पैसे देते थे वो उसके अकॉर्डिंग होता था, मतलब जो पैसे ट्रांसफर करते थे यूजर उसके अकॉर्डिंग उसको पेटीएम पोस्टपेड पैसे मिलते थे। तो इसी में मैं भी था और बहुत सारे बंदे थे जिनको मिला था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये आ गई थी कि मतलब जो ये पैसे दिए जाते थे तो किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये जो है मतलब आरबीआई के खिलाफ है, क्योंकि ये एक लोन है, लोन के तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन लोन के रूल भी नहीं है। लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है मतलब उसके लिए इतना टैक्स किया जाता है, इतना पैसे काटे जाते, वो भी नहीं है। और उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि पेटीएम जो है ये जो पैसे जो दे रहे हैं अपने यूजर को, ये अपने यूजर को इंक्रीज करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, और इससे ताकि उसके यूजर को बढ़े। और आई थिंक मे भी हो सकता ऐसा भी है, और इससे बहुत ज्यादा यूजर भी बढ़े थे, तो ये खैर वहां की बात है। तो इसी दिन आप उसने कंप्लेन किया था तो आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया कि आप जो है इसका रूल चेंज करिए या फिर आप इसको बंद कर दिए। तो अभी फिलहाल ये पेंडिंग में, होल्ड में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये होल्ड का प्रॉब्लम तो खैर वहां पर दूर किया, लेकिन जिनको पैसे मिल रहे थे और मिल रहे हैं, अभी मेरे पास दो अकाउंट थे जिसमें एक में मुझे आई थिंक 1200 या 1300 रुपए मिले थे और दूसरे में 2000 के करीब करीब मिले थे, और वो जिसमें से हमने मतलब दोनों को यूज किया था। तो जहां 1200 रुपए वाली बात है वो उसमें क्या हुआ था कि मैंने उसमें 1000 ऑलमोस्ट यूज किया था, और उसके बाद जो है उसमें जब मतलब जब टाइम खत्म हो गया उसका, जब पैसे पे करने का वक्त आया तो हमने पैसे पे किए, और जैसे पे करके ओके किए मतलब खत्म किए, तो हुआ यह कि मेरे पास जो लिमिट थी वो पूरी खत्म हो गई। तो मैं खुद परेशान हो गया, तो मैंने कस्टमर केयर को फोन लगाया, उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि देखिए इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए और उसके बाद जो है आपको जो खुद एलिजिबल हो जाएंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको भी जो मतलब नहीं है उसके एलिजिबल हो जाएंगे। और जहां तक बात है मुझे दूसरे की मतलब दूसरे पेटीएम की, तो उसको भी मैंने पे किया, लेकिन वहां पे जो प्रूफ के तौर पर मैं दिखा देता हूँ। वहां पे जैसे पे किया उसके बाद फौरन जो है फिर मुझे 2000 का जो है मुझे लिमिट मिल गया फिर से, और उसके बाद फिर से मैं एलिजिबल हो गया, लेकिन इस अकाउंट में नहीं मिल पाया। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता दूं एक चीज, क्या जो भी चीज मुझसे बात हुई है कस्टमर केयर से, अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर तो सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इंस्टाग्राम की, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से सुन सकते हैं, वहां क्या क्या बात हुई आपको पता चल जाएगा। तो आप वहां से जाकर फॉलो करके आप वहां पे सुन सकते हैं, वहां पे जाइए, वहां आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए ये बात हुई वहां की, लेकिन क्या क्या बात हुई मैं आपको बता दिया। अगर आपके साथ में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है, तब डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, जो प्रॉब्लम चल रही है अभी उनके तरफ से वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नहीं मिल रहे, और मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जिससे पैन कार्ड जो वेरीफाई नहीं है तो मतलब इसकी वजह से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जिस अकाउंट से मुझे सस्पेंड किया गया है उसमें मैंने पैन कार्ड को वेरीफाई कर रखा था, फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया, उससे मतलब उससे पैसे नहीं मिले, और जिसमें वेरीफाई नहीं है उसी में मुझे मतलब पैसे मिले हैं। तो ये पैन कार्ड का मतलब कोई इश्यू नहीं है, वो बताया जा रहा है इसे ही, उससे पैन कार्ड के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पैन कार्ड आप लिंक करें ना करें, क्योंकि पहले जो ऐसे ही हुआ करता था कि चाहे आप जो है छोटा सा मिनी केवाईसी भी कर दीजिए तो आपको जो है पेटीएम पोस्टपेड मिल जाया करता था, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अब जो भी अब वो हल निकाले वो आगे चल के पता चलेगा। तो जब तक के लिए आप जिस तरह चल रहा चलने दीजिए, एक दो महीने की बात है, उसके बाद जो है फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं भी देखता हूँ, जब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा इसके लिए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसके बारे
भी कोई रिगार्डिंग जो है इसके रिगार्डिंग जो अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए हम आप वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं।